चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज मैंने आपको फर्स्ट सेट के क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रखे हैं, 22 नवंबर के मैं सेकंड सेट के क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें भी देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको जो कि रेगुलर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ से मिलते हैं। जैसे देखिए आर्टिकल 32 ही मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रकाश के वर्ष का मात्रक मैंने दूरी बता रखा है, सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाएगा पार्श्विक हो जाएगा। अस्पृश्यता को किस भाग में रखा गया, तो मैंने बताया 12 से 35 भाग 3 में आता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है। तो अस्पृश्यता अगर पूछा जाएगा तो आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया, तो जाहिर सी बात है भाग 3 में आ जाएगा। अगर जानन में कौन सा समास है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको अंदर, इससे अधिक भी क्वेश्चन आपको अंदर मिलेंगे। बस दोस्तों यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा ज्यादा लाइक करें, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, ताकि मैं आपके लेखपाल वाले क्वेश्चंस को, जो एग्जाम्स को भी ध्यान में रख करके पढ़ाऊं, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम आने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है, तो मैंने बताया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाएगा, आप पूछा गया तो वो पूछा भी जाएगा आपको, तो वो हो जाएगा पार्सेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। लगातार मैं कह रहा हूँ कि 12 से 35 आर्टिकल यानी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, 36 से 51 आर्टिकल यानी डीपीएसपी यानी नीति निर्देशन के सिद्धांत, आपको यहां से क्वेश्चंस बनने ही बनने और पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, तो देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989, कल भी मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी को क्रेडिट जाता है। अस्पृश्यता का अंत किस भाग में है, तो भाग 3 में है, क्योंकि आर्टिकल 17 में मेंशन किया गया है। तो देखिए 12 से लेकर के आपका 35 तक सब क्या है, फंडामेंटल राइट, और किस भाग में आता है, भाग 3 में आता है। सिटीजनशिप किस भाग में आता है, भाग 2 में आता है। डीपीएसपी किस भाग में आता है, भाग 4 में आता है। अगर पूछा जाएगा मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं, तो वो भाग 4A में आते हैं। तो ये सब आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिलिंग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए जीएसटी काउंसिल आपका, मैंने आपको बताया था कि 279 आर्टिकल में आता है आपका, जो है 279 आर्टिकल में आता है आपका जीएसटी काउंसिल, जबकि 269 आर्टिकल में आता है आपका आईजीएसटी। मैं सभी बता देता हूं। देखिए जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा पहली चीज। ठीक, जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 को जो है कि स्टैब्लिश हुआ, ये ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को ये हमारा स्टैब्लिश। जीएसटी फॉलो करने वाला हमारा देश 161वें नंबर का देश है। हमने कनाडा मॉडल लिया हुआ है जीएसटी का, कहाँ का मॉडल, कनाडा, जबकि सबसे पहले 1954 में, 1954 में फ्रांस ने पारित किया था आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सारे टैक्सेस को हटा करके एक टैक्स लगाना, जिसको हम एक अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या है आपका, एक अप्रत्यक्ष कर है, ये इनडायरेक्ट कर है। जब आप इसकी सर्विस लेने जाएंगे तभी आपको ये कर भरना पड़ेगा, जबकि इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, ये क्या है आपका, डायरेक्ट टैक्स है। आप चाहे इसको आप घर पे रहें चाहे ना रहें, आपको होम टैक्स देना पड़ता है। तो यही अंतर है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी स्लैब्स पूछी जाती हैं, दरें 5% की, 5 प्रकार के, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, 5 प्रकार की दरें हैं। अगर पूछा जाएगा जीएसटी जो है कि कितने प्रकार का है, तो 4 प्रकार का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका एसजीएसटी, एक हो जाएगा सीजीएसटी, एक हो जाएगा आईजीएसटी, और एक क्या हो जाएगा आपका यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये भी पूछा गया था आपको। प्लस जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो वो असम हो जाएगा। सबसे बाद में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये भी पूछा जा सकता है। गजानन में कौन सा समास होता है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, ध्यान रखिएगा गजानन में। मोर के पर्यायवाची शब्द क्या है, मयूर, सिखी, कलापी, सारे ही में यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। वास्तिका विलोम शब्द बताओ, तो वहां पे अनवृष्टि, सूखा, अकाल, ये है आपका वृष्टि, इसका विलोम शब्द पूछा गया था आपको। मिताक्षरा के लेखक कौन है, ज्ञानेश्वर। देखिए मैंने आपको बताया था कि पूछा जाएगा आपको कि मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो वो जाएंगे ज्ञानेश्वर। इसी के साथ आपको पूछा जाएगा विक्रमादेव चरित के, देखिए 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विल्हड़, ये ध्यान रखिएगा। विल्हड़ किसके हो जाएंगे, विक्रमादेव चरित के हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मत विलास प्रश्न पूछा जाएगा, तो महेंद्र वर्मन हो जाएंगे, अगर पूछा जाता है आपको तो उनकी किताब है। तो ये सारे क्वेश्चन, 10 कुमार चरित पूछा जाएगा, दंडी, ये सारे ही पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, चतुराई में प्रत्यय क्या होगा, तो वो आई होगा। आत्महत्या में कौन सा उपसर्ग है, ये पूछा गया था। जहां किसी की एक ही उच्चारण स्थान में आने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, तो अनुप्रास अलंकार होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है लगातार। एक मुंह दो बार मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपनी बात से पलट जाना। ठीक है, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद क्या होगा, त्रिपुर प्लस आर्य हो जाएगा, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद यानी उदासीनता होती है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रवि दिन रात पड़ रहा है, दिन रात क्या हो जाएगा, तो एक काल विशेषण हो जाएगा, जहां तक मुझे पता है कालवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। शुद्ध वर्तनी कीजिए, वहां पे शब्दांश था जो कि शुद्ध वर्तनी थी। कितने कितनी नावों में कितनी कितनी बार के लिए हीरानंद भाषण ने अगे को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च अगर लिटरेचर का सम्मान पूछा जाएगा तो वो ज्ञानपीठ ही हो जाएगा। अभी 55वां किसको दिया गया, लास्ट जो मेंशन है वो दिया गया है आपका अकेतम अच्युतम नुबूदरी को, मलयालम पोएट्रीज के लिए। जबकि पूछा जाएगा
अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया, जो कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। भारत का सर्वोच्च अगर साहित्य सम्मान पूछा जाएगा, यानी हाईएस्ट ऑनर ऑफ लिटरेचर, दैट इज ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अस्त्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शस्त्र हो जाएगा। इनमें से कौन सा मूर्धन्य घोष है? महापर्ण, सारे मेंशन किए गए, ट ड ढ ड प ड ड ढ श, ये सारे ही आपको जो है कि मेंशन कर दिए गए हैं। मगधी का अपभ्रंश भाषा क्या है? तो मगधी अपभ्रंश में विकसित की गई एक भाषा का नाम है, जो कि भोजपुरी है। बेसिकली आप बिहार में देखे होंगे तो मगधी बोली जाती है। दोस्तों ये मुझे सेकंड सेशन के क्वेश्चंस मिले हैं, सेकंड शिफ्ट के, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके होंगे जो मैं रात को आपको सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी बचे क्वेश्चन होते हैं थर्ड शिफ्ट के साथ मिलाकर के आपको प्रेजेंट कर देता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज को शेयर भी करेगा। उसके अलावा आपको बताएं कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है? अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ पे vimdis@14 कोड मांगेगा, अनलॉक कोड, उसको पोस्ट कर दीजिएगा तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने हो, कभी कभी भी अगर आपको ठीक लगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर डाउटिंग सेशंस, अनलिमिटेड ई नोट्स, ठीक है, आइकॉनिक बैच कोर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लब बैच कोर्स मिल जाएंगे, रेज हैंड का ऑप्शन है जहाँ पे हैंड रेज करके आप अपने जो भी डाउट्स हैं क्लास लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, और 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, तो जो भी आपको ठीक लगते हैं आप वो सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों चलिए मैं मिलूंगा आपको शाम को ऑल सेट के रिव्यूज के साथ। मैंने अभी ये जितने भी क्वेश्चन पर रहते आपको पोस्ट कर दिया ताकि आपके अगर एग्जाम्स हों कल एग्जाम्स हों तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा उसको कवर कर पाएं, या जो भी क्वेश्चन से हेल्प मिलते हैं तो कर पाएं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।